मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के दो सितारे ऐमन खान और मुनीब भट्ट शादी के बंधन में बंध गए हैं। सोशल मीडिया पर एक जगह जहां इनकी शादी की तकरीबात की तस्वीर शेयर हुई, वहीं सोशल मीडिया पर सार्फी ने शादी की फजूल रसूमात करने और बिला जरूरत तकरीबात का इनकार करने पर नए जोड़े को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। सोशल मीडिया सार्फीन का कहना था कि जितना पैसा इन्होंने अपनी एक शादी की कई तकरीबात पर खर्च किया है, उसी पैसे से किसी गरीब की मदद हो सकती थी। कुछ सार्फीन का कहना था कि इतनी तकरीबात का इनकार करके ऐमन खान और मुनीब भट्ट ने शादी के ख्वाहिशमंद अफराद को एहसास कमतरी में मुब्तला कर दिया है। तमाम नौजवान नस्ल इनकी शादी की तस्वीर और फंक्शंस देखकर अब यही ख्वाहिश कर रही है कि काश वो भी अपनी शादी इतनी ही धूमधाम से कर सकें। इस हवाले से सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर एक खातून सारिफ ने कहा कि पहले ढोलकी हुई, फिर ब्राइडल शावर, फिर सालगिरह, फिर निकाह, फिर शादी की पार्टी, फिर मेहंदी से पहले का फंक्शन, फिर मेहंदी, इसके बाद बारात से पहले का फंक्शन, फिर बारात होगी, फिर बारात की खुशी में पार्टी होगी, फिर वलीमे से पहले एक तकरीब रखी जाएगी जिसके बाद एक बड़ी वलीमे की तकरीब होगी। खातून सारिफ ने कहा कि बस कर दो, हमें पता है कि तुम लोगों के पास बहुत पैसे हैं, किसी गरीब को भी यतीम खाना जाकर खाना खिला दो। खातून सारिफ ने कहा कि आपके मदह आप सबको फॉलो करते हैं, लेकिन आप लोगों की तरफ से ये सब अफसोसनाक है, जिस पर मुनीब भट्ट खुद ही मैदान में आ गए और खातून सारिफ की तनकीद का जवाब देते हुए कहा कि मैं आपके सखावत के जज्बे की तहे दिल से कदर करता हूँ, लेकिन क्या आपको मालूम है कि मैं गरीबों की मदद के लिए कितनी रकम खर्च करता हूँ। मैं जो भी रकम अतिया करूँ या गरीबों की मदद करूँ, इसे मैं सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करता। जो रकम मैं गरीबों पर खर्च करता हूँ, शादी की तकरीबात में खर्च की जाने वाली रकम इस रकम का आधा हिस्सा भी नहीं है, लेकिन मैं फिर भी सोशल मीडिया पर इस हवाले से कोई पोस्ट नहीं करता। ये मेरी शादी है और मैं चाहता हूँ कि मैं इस शादी को भरपूर अंदाज से एंजॉय करूँ, ठीक इसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ। मुझे सिर्फ आप सब के प्यार और दुआओं की ज़रूरत है। आखिर में मुनीब भट्ट ने खातून सारिफ को कहा कि खुश रहें और खुश रखें। मुनीब भट्ट ने सार्फीन को मुंह तोड़ जवाब तो दे दिया, लेकिन इनके जवाब देने के अंदाज को भी खूब सराहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर मौजूद कुछ सार्फीन ने मुनीब भट्ट और ऐमन खान की शादी पर तनकीद करने वालों को ही आड़े हाथों ले लिया और कहा कि किसी को कोई हक नहीं है कि इनके पैसे या किसी भी वजह से इन्हें तनकीद का निशाना बनाए। हमें मनफी रवैयों की बजाय मुस्बत रवैये अपनाने चाहिए, इसी तरह माशरे में मुस्बत माहौल पैदा होगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ वक्त पर मिल सकें।